अब तक तो दमन फिल्म पर बॉलीवुड के छोटे छोटे एक्टर बोल रहे थे, लेकिन अब आया है दमन फिल्म पर शाहरुख खान का रिएक्शन। तो आखिर क्या बोले शाहरुख खान दमन फिल्म पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों आप लोगों को बॉलीवुड की हालत तो पता ही होगी, इस साल बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वो सभी की सभी फिल्में फ्लॉप रही, दो चार फिल्मों को छोड़कर। वैसे दोस्तों मैं बताऊँ तो बॉलीवुड के साथ ये सब अभी से ही नहीं हो रहा, बल्कि कोरोना के बाद से ही बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है। उसका रीजन दोस्तों कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड वाले खुद ही है। ये लोग जो फिल्म बनाते हैं उनमें हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और फिल्मों में उल्टा सीधा दिखाते हैं। आप लोगों को बताऊंगा, अभी आदिपुरुष का टीजर आया था और उसमें भी लोगों ने हमारे भगवान को उल्टा सीधा दिखाया था। राम जी के इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रख दी, रावण के इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, हनुमान जी के दाढ़ी है पर मूंछें है ही नहीं। अब इस तरह से दिखाने के कारण लोग इसे इस तरह से बायकॉट करने लगे। अब कुछ लोग तो बायकॉट ही कर रहे थे, लेकिन बाद में इसको बैन करने की मांग भी कर दी गई थी, लेकिन फिर आदिपुरुष के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन किया और अभी फिर से भगवान का लुक चेंज किया जा रहा है। इन्हीं सब रीजन की वजह से अभी के टाइम में बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही और इनकी फिल्में कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा है और इनकी फिल्में फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप हो रही है। खैर आपको बता दूं, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान को लेकर भी अभी के टाइम में यही सीन चल रहा है। लोग पठान को बायकॉट कर रहे हैं और इसी कारण शाहरुख खान अभी के टाइम में काफी ज्यादा टेंशन में। आपको बता दूं, पठान को बायकॉट करने का रीजन ये बताया जा रहा है कि फिल्म में जो पठान फिल्म की स्टोरी रखी गई है वो कुछ इस टाइप की है। फिल्म में जो हीरो है उसके माँ बाप नहीं है, उसका धर्म कौन सा उसे वो भी नहीं पता और जात पात ये सब भी उसे नहीं पता। इसमें लोगों का कहना ये कि भाई फिल्म के हीरो को उसका धर्म वगैरह कुछ भी नहीं पता है तो उसका नाम पठान ही क्यों रखा, रमेश राकेश ये सब भी तो रख सकते थे। और इसी को लेकर अभी में फिल्म को लेकर काफी बड़ा विवाद चल रहा है। खैर बात करते हैं शाहरुख खान ने दमन फिल्म को लेकर क्या बोला। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई दमन फिल्म 15 से 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है और शाहरुख खान की पठान आने वाली है उसके जस्ट एक महीना और 10 दिन के बाद। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि कहीं कांतरा की तरह ये फिल्म भी 2 महीने तक चली और लोग इसे देखते रहे और अच्छा कलेक्शन करती रहे तो पठान के कलेक्शन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि दमन फिल्म अगर कांतरा की तरह चलती रही तो भाई जो लोग पठान को बायकॉट कर रहे हैं वो तो इसे ही देखेंगे। अगर ज्यादा लोग देखेंगे तो इसकी स्क्रीन कम नहीं होगी और कम नहीं होगी तो पठान को कम स्क्रीन मिलेगी और कम मिलेगी तो फिल्म चलेगी कैसे। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक जो नई फिल्में रिलीज होती है उनको ज्यादा ही स्क्रीन दी जाती है, लेकिन अगर बाद में वो फिल्में नहीं चलती तो उनकी स्क्रीन कम कर दी जाती है। बाकी अब तो दमन और पठान के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन सी फिल्म बाजी मारती है।